अरे बेटा पंकज, अरे चाय लेके आ यार। ये लो पापा चाय। थैंक यू। वेलकम। पापा एक बात बोलूं? बोल बेटा। पापा मेरा घर के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, 2 महीने हो गए मैं घर में बोर हो रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या है? पापा मेरा घर के अंदर मन नहीं लग रहा है, आप बाहर चलते हैं अपन घूमने। यार बाहर तो मुझे भी चलना है। चलना है ना? हाँ। तो चलते हैं। बेटा 15 दिन की बात और है, अगर कर्फ्यू खुल जाए फिर चले तो अच्छा नहीं रहेगा? नहीं पापा मेरे को चलना है, बस मैं घर में बोर हो रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बाहर चलते हैं। चल फिर चलते हैं। चलते? पर पापा बाहर तो पुलिस खड़ी है। पुलिस को ऊपर गोली दे देंगे यार। पक्का? क्यों टेंशन लेता है? ठीक है पापा चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? सर अस्पताल जा रहे हैं। क्यों? इसकी माँ थोड़ी सीरियस है साहब। सीरियस है? झूठ बोल रहे हो। सीरियस है सर। झूठ नहीं बोल रहे साहब, हकीकत में सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है। अरे कोरोना चल रहा है, घरों में रहना चाहिए आपको, सरकार और पुलिस बार बार प्रशासन कह रहे हैं घरों के अंदर हो। और साहब हॉस्पिटल जाना जरूरी है सर, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सीरियस है सर। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हॉस्पिटल जाके जल्दी घर जाइए। ठीक सर, थैंक यू सर। कैसे बेवकूफ बनाया पुलिस वालों को? बहुत बोल रहा है। आपको मजा आया पापा? बहुत बहुत मजा आया। ओ। अब चलते हैं, घर चलते हैं। चलो चले। चलो ठीक है पापा। मजा आ गया यार, फ्रेश हो गया एकदम, फर्स्ट क्लास है। पंकज मेरे मेरे गले में दर्द हो रहा है, कहीं हमने बाहर जाकर गलती तो नहीं कर दी? पापा अगर मैं आज आपकी बात मान लेता तो आज आप हमारे साथ होते। पापा ने कहा था 10-15 दिन और रुक जाते हैं, फिर उसके बाद घूमने जाएंगे, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी और मैं जिद करता गया, और वो आज जिद का परिणाम मेरे सामने है। मैंने पुलिस वालों को धोखा नहीं दिया है, मैंने अपने आप को धोखा दिया है। आपने देखा एक छोटी सी लापरवाही का नतीजा, एक आपकी छोटी सी भूल आपके परिवार को संकट में डाल सकती है। याद रखिए सरकार के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने परिवार के अनमोल सदस्य हैं। अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने स्वास्थ्य की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार पालना कीजिए, घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रशासन को सहयोग कीजिए। इसी में ही हम सबकी भलाई है, इसीलिए हम कोरोना से जंग जीतेंगे। गाइडलाइन की पालना कीजिए।